शायद ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। यार सीन ये हुआ कि सियालकोट का डिले हो गया, अभी नहीं जा रहा मैं, कुछ दिन तक इधर ही हूँ। मंडे को इंटर्नशिप सबमिट करनी है, तो इसलिए नुमान भी क्या रुक जाओ और फैमिली भी क्या रुक जाओ, क्या करोगे इतनी जल्दी जाके। तो अब प्लान ये है कि पूरा दिन मैं क्या करूँ, बिला वजह बोर होता रहूँगा। तो गाड़ी का थोड़ा सा काम था, तो AC वगैरह उसका सेट होने वाला है। उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि उसको ज़रा वॉश वगैरह कर लूँ, होती अभी सामान वगैरह ले कर आता हूँ, उसको वॉश वगैरह करते हैं, तो फिर कज़न को बुलाता हूँ, उसके साथ AC का काम करवाने चले जाते हैं। शैम्पू और वैक्स का कोई आइडिया नहीं, वो जमाली आएगा तो वो लेके देगा मुझे अच्छी वाली। ये तीन चीज़ें खा ली हैं, अब देखता हूँ कोई कोल्ड ड्रिंक पकड़ता हूँ, फिर घर को निकलता हूँ। भाई जान टाकी शकी आ गई हैं, तो अब जाके पानी छानी मारते हैं, इतनी गंदी हुई है हालत उसकी, सही मिट्टी ऊपर चढ़ गया। तब जाकर गाड़ी धोते छोते हैं, फिर कज़न को कॉल करूँगा, आ जाए भाई जलील होने के लिए मेरे साथ। चलो फिर डिवॉर्सन से वो सब कुछ सामान जो जो चाहिए था वो मैं ले आया। So full of desperation, I can barely stand the rotation, I can hardly start to speak. गाड़ी की जरा से तो जान छुटी, लेकिन बस बाहर से हुई है, बस अंदर लस्टर वगैरह डैशबोर्ड वगैरह पे मारना है, थक गया हूँ बस। अभी पता नहीं जाया जाता है कि नहीं करें सही करवाने, क्योंकि अभी बाहर से धोने में थक गया हूँ, अभी लस्टर अंदर वगैरह सफाई करनी है अंदर से। देखता हूँ अब जा कुछ खाने के लिए खाता हूँ, तो फिर देखते हैं, तब तक ड्राइव भी हो जाएगी। यार गाड़ी तो चमक गई है, लेकिन मेरी बढ़ गई है बैंड। मैं जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता हूँ, ऐसी शाइन मारी है ना कसम से, कहा चमक गई है फुल। दूसरी बात यह कि कज़न को मैंने कॉल की कि AC का इशू है, तो कह रहा था कि वो पाइप चेक करने के लिए को कहा उसको दबा के चेक करो, तो वो कह रहा है कि गैस का इशू नहीं है, कोई और इशू है, तो रात को आके चेक कर लेगा कज़न। उम्मीद है कि वो कोई फिल्टर शिल्टर का पता नहीं कोई इशू होगा, या कोई छोटा मोटा इशू होगा, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, गैस वगैरह वाला लीकेज कुछ नहीं है। तो अब वो ऑफिस है अभी, तो रात को आएगा तो देखते हैं, तब तक चेक करो मेरी गाड़ी कितनी चमक रही है। गाड़ी का सीन तो नहीं हुआ, लेकिन अभी प्लान ही है कि जूते शूते लेने हैं और टी शर्ट वगैरह को उठानी है, तो शॉपिंग भी नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के साथ जाऊँगा। और कज़न सुबह संडे है, सुबह देख लेगा, या मैं आऊँगा तो फिर कॉल करके उसको बुला लूँगा, करीब ही रहता, ज़्यादा दूर नहीं रहता। उसके अलावा सीन ये है कि बस मैं निकल रहा हूँ, वेट था छोटे भाई का, तो बस अब निकलूँगा। बस का रेंटर हूँ, सीन कुछ ऑफ ये हुआ कि F7 में खड़ा था, तो F7 वाला जो है ना सीक्रेट स्काई मुझे पसंद है, तो F10 वाला नहीं पसंद, तो मैं ऐसा F10 चला गया गलती से ना, F7 वाला समझ के F10 पहुँचाऊँ गली के बाहर, सीक्रेट स्काई के बाहर, तो दिल ही नहीं किया मेरा अंदर रेंटर होने का, वो फारिग था मुझे, मतलब मुझे उधर के ना चीज़ें नहीं पसंद है। 4 घंटे सलाद के बाद ना गाड़ी का काम सही करवाया, ना मूड नहीं था वीडियो बनाने का, ना शॉपिंग पे गया हूँ तो अभी वीडियो नहीं बनाई, और गाड़ी का गैस का इशू था, कज़न ने कहा था दबा के चेक करो, उसको पाइप में से दबा ही नहीं, कज़न ने आकर दबाया, वो फुल दब गया, जान ही पूरी पूरी है ना, तो वो गैस का इशू था, गैस फुल करवा दी, फुल वापसी पर चिल सीन में हम, अब जब सियालकोट वाला सीन होगा ना तो चिल सीन में मैं जाऊँगा, कोई भी इशू नहीं होगा, AC का पंगा नहीं होगा। बाकी यार वीडियो को एंड मारता हूँ इधर ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।